चंदन एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि चंदन के पौधे लगाने में किस तरह से हमें जेल की हवा खानी पड़ गई और यह जेल की हवा खानी हमारे लिए बहुत सुखद और अच्छी रही। आप अंत तक वीडियो अवश्य देखें। खा रहे हैं जेल की हवा, साथ में जेल की चाय भी पी रहे हैं, तो इसके लिए जय भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी टीम का भी, उनकी संस्था का भी। और उधर हमारे अशोक जी बैठे हैं, अशोक दीवान जी बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद। जेल की चाय भी थी, गांव में कहते हैं ना, या किसी का झगड़ा हो जाए शहर में, मुझे जेल की हवा खिला दूंगा, तो हम जेल की हवा। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और हम हैं इस समय हरियाणा सुनरिया जेल में। और आज का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है बहुत ही चर्चित व्यक्ति, समाज सेवा के लिए और सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत बड़ी उनकी पहचान है। श्री जय भगवान जी हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करूँगा। जय भगवान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ सुनरिया जेल रोहतक में कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब श्री मनोज कुमार जी आईएएस हैं और वे यहाँ पर कुछ देर में उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर प्लांटेशन चंदन का हो रहा है और इस आज के कार्यक्रम के लिए जितना भी क्रेडिट दिया जाए तो मिस्टर जय भगवान जी को उतना कम है। और इन्होंने जो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है, ये हरियाणा में दूर तक मैसेज जाएगा। और अब तक जो लोग थोड़े जागरूक नहीं थे इसे सफ़ेद चंदन के लिए, तो वे और अधिक जागरूक होंगे। और साथ ही साथ ये जो पौधा है ये किसान की आय को तो बढ़ाएगा ही, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत तो करेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हम लोगों को पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है। और एक सर्वे के अनुसार, सर्वे मेरे से बता रहे थे कि 550 करोड़ पौधों की ज़रूरत हमारे देश में है। और अब वन महोत्सव शुरू हो गया है तो प्लांटेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत सारे लोगों के पास में सर का नंबर भी है। और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सर का नंबर आपको उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा से अगर आप हैं, हरियाणा या हरियाणा के आसपास, तो आप सर से जो है संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी वे सेवा करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मिस्टर जय भगवान जी प्रकाश डालेंगे आज के कार्यक्रम पर, तो जरा सर बताएं थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम जय भगवान धनखड़ है, मैं मेडिसिनल पौधों के ऊपर काम करते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, किसान अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा 20-30-50 गुना भी बढ़ा सकता है। चंदन को वक्त लगता है बड़ा होने में, लेकिन साथ में और औषधियों की खेती करते हुए किसान अपने परिवार को पारंपरिक खेती से ज़्यादा रेगुलर कमा सकता है और अपने परिवार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा छोड़ के जा सकता है। इस सुंदर कार्यक्रम में श्रीमती ममता सिंह आईपीएस एडीजीपी रोहतक रेंज ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर चंदन का पौधारोपण किया और पर्यावरण को बचाने के लिए, संवर्धन के लिए एक अच्छा संदेश दिया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।